हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सपना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जैब्रा केक की रेसिपी। तो ये जो केक है हम बनाएंगे विदाउट एग, यानी कि ये जो केक है ये बिल्कुल एगलेस है और बहुत ही सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और बहुत ही मॉइस्ट ये केक बना है। तो बहुत ही टेस्टी केक बना है। इस केक को हमने कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केक बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और बाउल में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अमूल बटर। तो यहाँ पर मैंने अमूल बटर का चौथाई हिस्सा डाला है, यानी यहाँ पर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी बटर ले सकते हैं। बटर को हम थोड़ा सा विस्कर से इस तरीके से फोल्ड लेते हैं ताकि ये अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पर आपको ऑयल लेना है जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। बटर और रिफाइंड ऑयल दोनों का हम यहाँ पर इस केक में यूज़ करने वाले हैं ताकि ये जो हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटर और ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है एक दूसरे के साथ। बटर जो है वो अच्छे से एकदम से मेल्ट हो जाना चाहिए ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम है, तो आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप पिसी हुई शुगर ली है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीनी का पाउडर हम इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर इसका ये जो टेक्सचर है थोड़ा घी की तरह हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल और बटर के साथ पिसी हुई शुगर को मिक्स कर दिया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप दही। तो ये ताज़ा दही है, आपको यहाँ पर खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं लेना है, ताज़ा दही लेना है केक को बनाने के लिए। दही को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है सभी के साथ। तो सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं दही को, बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए इसका जो बैटर है। तो यहाँ पर दही को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर वाला ये जो बैटर है वो होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर डालूँगी वनीला एसेंस। तो मैं यहाँ पर वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स डालूँगी। आप यहाँ पर वनीला एसेंस को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एगलेस केक है, यहाँ पर हम अंडे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर वनीला एसेंस नहीं भी डालते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर केक के अंदर एक अच्छी स्मेल और अच्छी खुशबू आए उसके लिए मैं यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक चलनी रखी है। चलनी के ऊपर हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप टोटल मैदा ली है। तो 1 कप पहले मैंने डाल दी थी और 1/2 कप अब डाल दी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ली है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच यहाँ पर हम नमक डालेंगे, यानी कि 2 पिंच हम यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक जो होता है वो मिठास को बैलेंस करता है, इसलिए हमने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है। जब भी आप केक बनाते हैं तो उसमें 1-2 चुटकी नमक ज़रूर डालिए, केक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान कर मैंने ले लिया है और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इस बैटर के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है काफ़ी थिक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ बैटर बनाना है, यानी कि इसका जो बैटर है वो थोड़ा रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और देखिए ये जो बैटर है वो थोड़ा सा अभी भी थिक है। तो आप यहाँ पर पानी की जगह पर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर दूध डाल सकते हैं पानी की जगह पर बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर आपको बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना होता है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना होता है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप बैटर को बहुत पतला कर देंगे तो बैटर अंदर से पकता नहीं है, यानी कि जो केक है हमारा वो अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाता है, कच्चा कच्चा आटे की तरह लगता है। और अगर आप बैटर को बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो यहाँ पर जो आपका केक है वो एकदम टाइट ब्रेड की तरह हो जाएगा, ब्रेड बहुत टाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो तैयार है। तो आधा बैटर हम यहाँ पर दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इस बैटर में हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। तो आप यहाँ पर कोको पाउडर की जगह पर चॉकलेट सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके ले सकते हैं इस केक को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर कोको पाउडर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच।
और थोड़ा सा हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। यहाँ पर हम ड्राई कोको पाउडर ले रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी डाला है ताकि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट रहे। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कोको पाउडर को, इसमें एक भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए कोको पाउडर का। अच्छे से मिक्स करना है आपको, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का इस बैटर को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का इस बैटर को तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारे दोनों बैटर तैयार हैं। अब मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है गोल साइज में इस तरीके से, और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है घी से ग्रीस करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो केक टिन है वो तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा वाइट बैटर डालेंगे 1 से 2 चम्मच, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा बीच में इस तरीके से 1 से 2 चम्मच कोको पाउडर वाला बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इस तरीके से पहले वाइट वाला बैटर डाल रही हूँ, उसके बाद चॉकलेट वाला बैटर डाल रही हूँ, फिर से वाइट वाला बैटर डाल रही हूँ और फिर से चॉकलेट वाला बैटर डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें सारा बैटर डालना है केक टिन के अंदर। आपको ध्यान रखना है जब आप ये लेयर बनाएंगे तो बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। मेरी तरह इस तरीके से थोड़ी सी जो आपका बैटर है वो इधर उधर गिर सकता है तो आपकी जो लेयर है वो ख़राब हो सकती हैं। तो बहुत ही ध्यान से और सावधानी से बनाइएगा। तो इतनी परफेक्ट इसकी लेयर नहीं बनी है। अब मैंने यहाँ पर एक सुई लिया, आप चाहें तो एक टूथपिक ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ। आपको ध्यान रखना है जितनी बार भी आप सुई इसके अंदर डालेंगे आपको सुई को साफ़ करना है, एक ही बारी में आप सुई को इसमें नहीं चलाना है। यानी कि हर बार जब भी आप सुई इसमें डालेंगे तो आपको सुई को साफ़ करना है अपने हाथों से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। ये डिज़ाइन इतना परफेक्ट नहीं आया है और हर कोई इसको परफेक्ट इतना नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए, और कढ़ाई बिल्कुल प्रीहीट हो गई है। तो मैंने यहाँ पर केक टिन को रख दिया है इसमें अच्छे से, और इसको बेक होने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब 20 से 25 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही सुई ली है और सुई से देखिए मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ, केक जो हमारा है वो बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन नहीं आया है, लेकिन जो केक है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बना था, एकदम सॉफ्ट था, एकदम स्पॉन्जी था। आप देख सकते हैं, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए पीछे से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आया है, और जो केक है ना वो इतना सॉफ्ट बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर केक को सीधा कर लिया इस तरीके से, और चलिए अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद। आप देख सकते हैं मैं अंदर से आपको इसकी लेयर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लेयर आई है इस केक की, और ये जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी इस केक को ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर। मैं बहुत ही इजी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ।